1 किलो मैंने मटन ले लिया है, तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। आधा चम्मच अजवाइन, 1.5 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच खड़ा धनिया, लहसुन अदरक, और खड़े मसाले में लिया है स्टार फूल, दालचीनी, तेज़पत्ता, जावित्री, लौंग, इलायची और काली मिर्च। इन सभी को हम एक जार में शिफ्ट कर लेंगे और जार में थोड़ा सा पानी डालते हुए हम एक अच्छा सा थिक इसका बैटर बना लेंगे। सारे मसालों को आप फ्रेश पीसेंगे तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा और जो हमारी ग्रेवी है वो भी अच्छी थिक गाढ़ी बनेगी, तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। एक थोड़ा पानी डाल के हम इसका गाढ़ा एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से पिस चुके हैं। अब हम एक कुकर ले लेंगे, कुकर में हम ऑयल डालेंगे और 2 चम्मच मैं घी डालूंगी। तो जब भी मैं नॉनवेज बनाती हूँ तब मैं थोड़ा सा तेल और घी को मिक्स करके लेती हूँ, उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो ओनली तेल में या घी में भी बना सकते हैं, बट यहाँ मैं दोनों को मिक्स करके लूँगी। और यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इसको ऐसा काट लिया है। इसको हम तेल में डाल देंगे और इसको ब्राउन होने तक हम अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा सा प्याज जल्दी पक जाए इसलिए हम थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल करेंगे, तो थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हुए ब्राउन होने तक पकाना है। तो ये देखिए हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें जो मटन हमने धो के रखा था वो हम ऐड कर देंगे और इसको भी हम लगातार चलाते हुए इसको पका लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे ताकि मटन के अंदर तक नमक अच्छे से चला जाए। तो पहले ही हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे, बाद में अगर हमको कम लगा तो हम और ऐड कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आप थोड़ा कम ही डालें नमक। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो जब हमने नमक डाल दिया तो पानी अच्छे से निकलना स्टार्ट हो चुका है और ये सारा पानी हम पूरा एब्जॉर्ब करवाएंगे मटन में। ऐसे ही फ्राई करते हुए चलाते हुए हम पकाएंगे। 15 से 20 मिनट में ये अच्छे से पानी पूरा सूख जाएगा और ये थोड़ा ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें लगातार ऐसे ही चलाते हुए पकाना है। ये देखिए पानी सूख चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर और ऐसे ही भून लेंगे तो ताकि ये थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो जाए, तो इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा मटन में। तो ये देखिए हम चलाते हुए इसको पका रहे हैं। कढ़ाई में आप मटन बनाते हैं तो बहुत टाइम लगता है, तो ऐसे ही अगर आप कुकर में बनाएंगे तो बहुत फटाफट बन जाएगा ये। बस स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा बट पकने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है मटन और ये पूरा पानी भी सूख चुका है। तो अब ये रेडी है और मसाले ऐड करने के लिए। अब मैं इसमें डालूँगी 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसको मैंने चॉप कर लिया है। तो अब हम इसको डाल देते हैं और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसको मिक्स करते हुए चला लेंगे। अब इसमें डालूंगी जो हमने खड़े मसाले सारे पीसे थे ना, वो हम डाल देंगे 3 चम्मच। इसको भी अच्छे से मिक्स करते हुए बनाएंगे। और जब आप ये मसाले डाल देंगे और ये जब पकेगा ना तो बहुत अच्छे से खुशबू आएगी और बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा आपके मटन में। तो आप भी एक बार इसको ज़रूर ऐसे ट्राई करें। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले, तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा और तीखा भी नहीं होता ये, तो बहुत अच्छा सा सुंदर सा ये दिखेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो इसको सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करते हुए 2-3 मिनट के लिए हम पका लेंगे। 2 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा के इसको स्टीम होने देंगे ताकि जो मसाले हमने डाले थे वो अच्छे से पक जाए स्टीम में। तो ये देखिए मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। जिस जार में हमने मसाले पीसे थे उस जार का भी पानी फेंकना नहीं है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये पानी ऐड कर दिया और इसके ऊपर हम 1 गिलास पानी ले लेंगे और वो भी डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार चला लेंगे और मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने टोटल 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको और रसेदार बनाना है तो बाद में आप पानी गर्म पानी का इस्तेमाल करें, अभी के लिए ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो फिर पानी बाहर निकल जाएगा सीटी से। तो थोड़ा मैंने यहाँ लिया है हरा धनिया और 1/2 चम्मच मैं डालूंगी इसमें घी, तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 2 विजल आने तक इसको मीडियम फ्लेम में हम पका लेंगे। ढक्कन बंद कर दें
दो विजल आके इसको ठंडा कर लें। ये देखिए हमारी रेडी है मटन करी बनके बिल्कुल रेडी। आप इसको राइस के साथ, रोटी, नान, पराठा किसी के साथ भी सर्व करें, ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा और कुकर में बहुत जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स। तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।